मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 3 चैप्टर्स का हमारा टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब हमें अपना रिपोर्ट कार्ड पता चल गया कि हम कैसे हम करते हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं, कितनी हम रिवीजन साथ साथ कर रहे हैं। ओके, सो अपना बेटा क्या होगा आपका कि आपका हर वीक आपका टेस्ट हुआ करेगा, यानी वीक में आपका चाहे कितना भी सिलेबस हुआ हो, 1 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 3 या पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, तो आपका वीक में 1 टाइम आपका टेस्ट हुआ करेगा ताकि आपके साथ साथ आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपको पता चले कि हम रोज रेगुलरली हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। ओके, सो जो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 4। ओके, क्लास 7th है, चैप्टर नंबर 4। और जो 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है हमारा लीनियर सिंपल इक्वेशन आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट से अगर हम क्वेश्चन करते हैं वो हमारी इक्वेशन होती है। ओके, तो हमने क्या करना है अब, या तो हमने इक्वेशन बनानी है, बनी हुई है तो उसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ यही करना है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, अगर ध्यान से समझोगे तो कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी करने में। ओके, तो हम जो आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1, तो जो उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको ये बताना है कि भाई वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी उस बॉक्स के अंदर ना आपको एक कॉलम है, उसके अंदर आपने यस और नो डालना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको यस नो का दे दिया, लेकिन जब तक आपको ये वो इक्वेशन सोल्व करनी ही नहीं आएगी तो आप कैसे बताओगे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए मैं आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाती, सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आप ये पूरी जब एक्सरसाइज करोगे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप इजिली अपने आप ही कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे निकालना है और आपको यस नो अपने आप बता दोगे कि अगर जो सेटिस्फाई कर रही है तो वो यस है और जो सेटिस्फाई क्वेश्चन नहीं कर रही तो वो नो है। ओके, सो अब लेट्स स्टार्ट हैवी क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोल रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। कहता है कि आप ये चेक करो और वैल्यू निकालो कि आपको ब्रैकेट के अंदर जो आपको नंबर दिए हुए हैं क्या वो इसको सेटिस्फाई, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, तो देखो n+1 फर्स्ट है आपका, सो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी n+5=9 और आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है n=1। ओके, तो अब आपने जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसमें देखो n=n, यानी n की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, और यहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है ना, तो आपको इस n में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और फिर ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये अब हमने ये बताना है कि ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं कि नहीं है। ओके, तो देखो ये n में क्या पुट करना है हमने, 1, तो मैं n की जगह 1 लिख सकती हूँ ना, प्लस 5 है तो 5 एज इट इज, ये 19 इक्वल टू में 5 और 1 कितने होते हैं बेटा, 6, और ये कितना है 9। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, क्योंकि ये 6 है और ये 9 है, 19 है, तो ये इक्वल नहीं आए ना, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, इसी तरह इसका सेकंड है, जैसे तो सेकंड में हमने क्या करना है, ये क्या है 7। अब देखो इसमें n की वैल्यू है ना, इसमें n की वैल्यू हमें दी हुई है देखो बेटा -2, कितनी दी हुई है -2। ओके, तो अब n की वैल्यू है देखो पहले 7, अब दो चीजों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं होता 2 डिजिट के बीच में तो वो कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। ओके, तो अब देखो इन दोनों के बीच में किस चीज का सिंबल है, मल्टीप्लाई, आप लगा लो साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। n है तो n की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, मैं -2, तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगी, -2। बेटा ये -2 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी दो सिंबल ना एक साथ नहीं लिखे जाते। ठीक है, फिर क्या है हमारा प्लस का 5 और इक्वल टू में क्या है चल रहा है बेटा हमारा 19। ओके, तो अब ये देखो अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करती तो कितना आता है, 14 आता है ना, और 2 क्या है नेगेटिव का, तो कितना आ जाएगा ये -14 आ जाएगा ना, फिर क्या है प्लस और फिर क्या है 5 इक्वल टू के 9।
अब ये बताओ प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और सिंबल भी किस चीज का होता है, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। देखो प्लस माइनस, माइनस और सिंबल भी माइनस का, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 14 में से फटाफट करके देखना इस चीज को, तो आएगा इसमें 9। तो ये देखो ये किस चीज का आएगा, माइनस का 9, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा 19। तो क्या ये दोनों आपस में सेटिस्फाई है, दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, तो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब जैसे आपका इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको दिया हुआ है 7n प्लस में 5 इक्वल टू 9n की वैल्यू 2 डालनी है हमने। देखो आप ये वाला क्वेश्चन ना और ये वाला सेम है, बस इसमें फर्क पता है क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू -2 थी और इस वाले में क्या है, n की वैल्यू 2 दी हुई है। ओके सो अब हम करें, देखो 7 सेम, दो सिंबल है तो मल्टीप्लाई, और n, n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ये क्या है प्लस में 5 और ये 19 इक्वल टू 7 2 से कितने होते हैं 14 होते हैं ना, प्लस में 5 ये कितना हो गया 19, 14 और 5 कितने होते हैं बेटा 19, और ये क्या है 19। देखो ये दोनों 19 और 19 दोनों सेम आए हैं ना, तो ये किसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन एक दूसरे की सेटिस्फाई कर रही है। ओके तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यस क्लियर। अब जैसे इसका है डी पार्ट, डी पार्ट में भी ऐसे ही है सेम, 4p, p की वैल्यू कितनी है बेटा 1, मल्टीप्लाई में दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई 1, माइनस के क्या है 30, 4 बन जा 4 माइनस के 30, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 13, दोनों का इक्वल आए, नहीं आए तो दिस इज नॉट इक्वल। फिर सेम है 4p की वैल्यू कितनी डालनी है इसमें, माइनस के 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस के 4, ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा 13, 4 जा 16, ये माइनस का है तो हम क्या लगाएंगे माइनस का, फिर ये क्या है बेटा माइनस का 3, यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा 13 चल रहा है। अब ये देखो माइनस माइनस क्या बताया था मैंने बेटा इंटीजर्स में, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, पर लेकिन सिंबल किस चीज का आएगा हमारा माइनस का, तो 13 और 3 कितने, 16 और 3 कितने होते हैं 19, और ये क्या है हमारा 13। क्लियर, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, तो डेट इज नॉट इक्वल। क्लियर, फिर आपसे सेम वही है 4p की वैल्यू इसमें डालनी है हमने 0, तो मल्टीप्लाई में 0, ये क्या है माइनस के 3, ये चल रहा है हमारा 30। अब ना एक चीज होती है 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, 4 को 0 से किया 0 माइनस के 3, ये क्या हो गया 13, 0 में से माइनस 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस की 3 और 13, क्या ये दोनों सेम आए, नहीं आए, तो डेट इज नॉट ए सेम। ओके फिर आता है बेटा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम है ये भी बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये देखो क्या कहते हैं, सोल्व द फ्लोविंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, कहता है कि इस वाले में हमने क्या करना है, सेम हमें इक्वेशन दी हुई है सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही, बस इसके अंदर उसमें हमें वैल्यू दी हुई थी, आपने 1 पुट करनी, 2 पुट करनी, -2 करनी, 4 करनी, इसमें हम ना क्या करेंगे अपनी मर्जी से हम क्या करेंगे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, और वो वैल्यू हमने तब तक पुट करनी है जब तक हमारा ये 17 की हम इक्वल ना आ जाए। क्लियर, सो अब मैं इसके अंदर तब तक वैल्यू पुट करूंगी, देखो तब तक हमारा ये क्या है 17 ना आ जाए, तो देखो हम x की वैल्यू कैसे पुट करते हैं 1, फिर कभी 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हमने ऐसे करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने x लिया है, यहाँ पे जो भी हमें दिया हो आप उसको मान लो, तो अब यहाँ पे क्या देखो p दिया हुआ है ना, तो p की वैल्यू मैं पहले क्या पुट करूंगी 1 पुट करूंगी। ओके तो मैंने 5 इंटू है p की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि मैंने कौन कौन सी वैल्यू डाल लिया। ओके आप देखो प्लस में क्या है 2, इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा हमारा 17, 5 बन जा क्या हो गया 5 प्लस में 2, ये क्या 17, 5 और 2 कितने होते हैं 7 और ये कितना हो गया 17, तो देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम इसके अंदर डाल के देखेंगे 2 डालेंगे, ठीक है 1 तो गया नहीं, अब हम क्या करेंगे 5p की वैल्यू में हम क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे। ओके प्लस में 2 17, 5 2 जा कितने होते हैं 10 प्लस में 2 17, 10 और 2
12 और 70, क्या ये दोनों सेम आए? नहीं आए ना, इसका मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करके देखेंगे, ठीक है। 3 पुट किया, अब हमने 5 इसके अंदर मैंने डाल दिया, 3 2 17, 5 3 से कितने होते हैं बेटा 15 प्लस में 2 17, 5 और 2 कितने हो गए 17 और ये क्या हो गया 17। देखो दोनों सेम आ गए ना, तो इसका मतलब इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई इक्वेशन, सेटिस्फाई नंबर, कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 कर रहा है, बस आपने यही करना है। आया ना समझ में? इसी तरह इसका है सेकंड पार्ट, इसमें हम देखो क्या करेंगे, 3m माइनस के 14, ये क्या है 4। तो इसमें पहले वही हम पहले 1 वैल्यू पुट कर लेती हूँ, मैं 1 को करके देखती हूँ, 3 बन जा 3 माइनस के 14 4, ये कितना आ जाएगा, 3 में से माइनस के 14 को माइनस करूंगी तो कितना आएगा बेटा, माइनस के 11 आएगा, और ये 4 दोनों सेम आए, नहीं आए, तो इसका मतलब p की जो वैल्यू, m की वैल्यू जो है मैं 1 डाल दी तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। फिर इसमें मैं डाल के देखूंगी 3 14 4, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ 2, 3 इंटू 2, यहाँ मैंने इंटू नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, ओके, ये अब आपने खुद लगाना है। 3 इंटू एम की वैल्यू मैंने 2 डाल ली, 14 4, 3 टू जा 6 माइनस के 14 4, 6 6 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8, और ये क्या जाएगा 4, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इसके अंदर डाल के देखेंगे 3 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 4, 3 3 जा 9 14 4, 14 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 5, क्या ये होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब हम इसके अंदर डाल के देखते हैं, इक्वेशन में 3 तक हो गया था ना, अब हम इसके अंदर डाल के देखते हैं 4, ओके 3 4 डाला मैंने इसमें, 3 4 जो कितने होते हैं 12 माइनस के 14, ये 4 ये कितना है 12, 12 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 2 4, क्या ये होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सो अब हम इसके अंदर डाल के देखते हैं 5, ठीक है, तो मैं इसके अंदर m की वैल्यू मैंने क्या डाली है 5 डाली है, 3 5 जा 15 14 4, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आया 1, ये तो नहीं जा, इसमें भी होल्ड नहीं कर रहा है ये तो, क्योंकि इक्वल आ ही नहीं रहा। अब हम इसके अंदर डालते हैं 6, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है 6 14, 6 3 जा कितने होते हैं बेटा 18, ये कितना माइनस के 14 इक्वल टू में 14, 18 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, ये भी 4। अब देखो यहां जाके ये क्या आया है, इक्वल आया है 4 इंटू, तो ये किसको होल्ड किया, कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 6 नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो आप किस निकले होगे सेटिस्फाई नंबर, नंबर कौन सा है इसमें 4 है, नहीं सॉरी 6 है, ओके। आया समझ में आपने कैसे करना है ट्रायल मेथड, यानी ट्रायल और एरर मेथड के अंदर जब तक हमारी जो इक्वल टू की वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, जब तक वो हमारी दोनों इक्वल ना आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब तक हमने ये क्वेश्चन करते जाने जाना है, चाहे इसमें आपकी कितनी ही वैल्यू पुट हो 6 7 8 9 10, जब तक आपका नहीं होता तब तक आपने ये करना है, ओके। सो आज हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, साथ साथ आपने जरूर तैयारी करनी है अपनी, क्योंकि अब आपका विन वीक के बाद ही आपका टेस्ट होना है, ओके। तो हर क्वेश्चन अपने अपने बाय हैंड निकालना है। सो हैव ए नाइस डे।